हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मेरे पास एक टीवी आया है जो कि 14 इंच का चाइना टीवी है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर कोई भी वीडियो जो सिग्नल है वो इनपुट नहीं हो रहा है और हमें यहाँ पे कोई भी सिग्नल या कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा जो टीवी है वो ऑन है। तो इस फॉल्ट का नाम बोला जाता है कि टीवी ऑन नो पिक्चर प्रॉब्लम। तो जैसे कि देख सकते हो, हम इसको अगर चेंज करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर हमने टीवी पे सेट किया और उसके बाद ए बी पे सेट किया, देख सकते हो ए बी पे सेट किया, लेकिन हमने क्या किया, जो सेट टॉप बॉक्स का जो वीडियो वाला कॉर्ड होता है वो मैंने लगा के रखा हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो, और साउंड गाइस सही से आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे वीडियो का जो कॉर्ड है मैंने यहाँ पे लगा के रखा हूँ, लेकिन फिर भी ये हमारा कोई भी पिक्चर वगैरह, कोई भी ग्राफिक्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस फॉल्ट को किस तरीके से रिपेयरिंग करना है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा विथ प्रैक्टिकली, क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम है बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है। आपको इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आपके पास आएंगे तो आपका जो माइंड है वो बहुत तरह तरीके का आपको भटकते रहेगा कि कहाँ पर एक्चुअली फॉल्ट होना चाहिए। तो चलिए, मैंने क्या क्या है, कहाँ पर किस तरीके से फॉल्ट मैंने ढूंढा, फिर भी नहीं मिला, और लास्ट में मैंने इसमें से क्या किया, वो सारे चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये हमारा मेन बोर्ड इस सीआरटी टीवी का, और ये हमारा वीडियो इनपुट सिग्नल जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो इनपुट सिग्नल, और यहाँ से भी आप वीडियो इनपुट सिग्नल इनपुट कर सकते हो। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होते हैं बहुत तरीके का होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सिग्नल को क्लीन करने के लिए और उसको रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है 2। वो रेजिस्टेंस का काम क्या है कि अनवांटेड जो सिग्नल होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है। अगर वीडियो सिग्नल के साथ अगर ज़्यादा सिग्नल आ जाए, ज़रूरत से भी ज़्यादा, तो हमारा जो पिक्चर ट्यूब और ऐसी ख़राब हो सकती है। तो ये हमारा जो 2 रेजिस्टेंस है इसलिए लगा हुआ है। लेकिन इस किट के अंदर क्या है कि इससे दोनों रेजिस्टेंस को मैंने चेक करके देख लिया हूँ, कोई भी फायदा नहीं हुआ है, वैसा ही हमारा जो प्रॉब्लम था रह गया है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो 5 वोल्ट का जेनर डायोड लगा रहता है, यहाँ पे देख सकते हो जो जेनर डायोड लगा था वो भी मैंने चेक करके देखा, जितने भी यहाँ पे और यहाँ पे जो जेनर डायोड था वो मैंने चेक करके देखा और रिप्लेस करके भी देखा सेम नंबर का, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो तब आपको क्या करना है, कि ये जो हमारा मेन आईसी है इसको आपको रिप्लेस करना होगा, और इसको रिप्लेस करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये टीवी ठीक होता है कि नहीं। अगर टीवी ठीक होंगे तो इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर डालूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं डालूंगा। तो चलिए, हम इस आईसी को सबसे पहले बाहर निकालेंगे और इस आईसी की जगह हम ब्रांड न्यू एक नया वाला आईसी डालेंगे। तो इस आईसी का आप नंबर देख सकते हो कि इसका जो नंबर है SNG7E35। तो इस सेम आईसी, नया आईसी मतलब सेम नंबर का नया आईसी मेरे पास है कि देख लेता हूँ। तो गाइस, जैसे देख सकते हो कि सेम नंबर का आईसी मेरे पास न्यू अवेलेबल है जो कि ब्रांड न्यू। तो फोकस सही से नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो CSNG7E35, यहाँ पे भी CSNG7E35 सेम नंबर का आईसी। तो सबसे पहले हम इस पुराना वाला आईसी को बाहर निकालेंगे और उसके बाद इस नया वाला आईसी को हम इसके अंदर फिक्स करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा टीवी ठीक होता है कि नहीं। और एक बार गाइस एक बात बता दूं कि मेरे इस चैनल पे सीआरटी टीवी, एलसीडी, एलईडी टीवी, जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ है उसका रिपेयरिंग वीडियो डालता हूँ, और न्यू गैजेट का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर उन सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सारे चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, वो सारे वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो है, और पूरा मैंने कोर्स करके रखा हूँ आपको। एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग के 50 से 60 वीडियोज़ आपको प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, जिसके अंदर मदरबोर्ड और पैनल इन सारे चीज़ों के रिपेयरिंग के प्रैक्टिकल वीडियो डाल के रखा हूँ। तो आपने अगर अपग्रेड होना है तो आप उन सारे वीडियोस को देख के कुछ नॉलेज आप गेन कर सकते हो। चलिए गाइस, इस आईसी को सबसे पहले मैं बाहर निकालता हूँ और उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको करता हूँ। तो चलो, अब आईसी को बाहर निकाला जाए। तो ये रहा वो आईसी, और देख सकते हो मैंने पहले से इसका जो चीज़ था वो पीछे से मैंने खोल लिया था, और बहुत ही आसानी से ये हमारा आईसी बाहर निकल आ गया है। और इसका जो नंबर आप देख सकते हो, SNG7E35, और जो हमारा नया वाला जो आईसी है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा नया वाला आईसी,
सेम नंबर का है दोनों के दोनों। तो जहाँ से मैंने इसे पुराना वाला को निकाला हूँ वहीं से इसे नया वाले को हम इंस्टॉल कर देंगे। तो गाइस अगर आप देखना चाहते हो कि इस तरह की आईसी को किस तरीके से बाहर निकाला जाए, मतलब निकालने का जो तरीका होता है इस तरह के का जो आईसी होता है, अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो उनको मैं बता दूंगा कि इस तरह की जो बड़े आईसी है इसको बोर्ड से किस तरीके से निकाला जाता है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। तो गाइस देख सकते हो किसी भी आईसी को बोर्ड के लगाने से पहले आपको ये जो नॉच है इस नॉच को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यही आईसी का पहचान होती है कि किस साइड से ये स्टार्टिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे एक नॉच है और जहाँ पे बोर्ड पे हम लगाएंगे इस वाले आईसी को वहाँ पे देख सकते हो एक नॉच है, तो सेम उसी जगह पे उस उधर साइड को हम नॉच करके यहाँ पे आसान तरीके से हम लगा देंगे कुछ इस तरीके से। आपको ध्यान में रखना होगा कि पीछे जो ट्रैक लगा हुआ है उस ट्रैक को कोई नुकसान ना आ जाए, इसलिए आपको वो भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस तरह की जो बोर्ड होता है वो ट्रैक बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए आपको वो जो सारे चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको आईसी को लगाना होगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकती है ट्रैक को लेकर। देख सकते हो कितने आसानी से हमने इसको अंदर डाल दिया हूँ। अब बारी आता है कि ये इसको हमें अंदर से सोल्डरिंग कैसे करना है। देख सकते हो कितने आसानी से हमने लगा दिया। तो इसको सोल्डरिंग करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन चाहिए जो कि इस तरह की का बीट आपको हो सकती है। देख सकते हो इसका जो बीट है कितना नोकीला बीट है, तो इस तरह की आपको एक बीट की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसका जो पिन है बहुत ही नाजुक सा होती है, मतलब बहुत ही पास पास होती है, इसलिए आपको पतला वाला बीट चाहिए होगा इसको सोल्डर करने के लिए। तो चलिए मैं आपको इसको सोल्डर करके दिखाता हूँ और उसके बाद फाइनल जो टेस्टिंग है वो भी आपको दिखाऊंगा। सो गाइस आपको एक बार नज़दीकी से दिखा देता हूँ कि इसका जो सारे लेग्स है वो कितने पास पास है। लेग्स आप यहाँ से देखिए कितने पास पास लेग है। तो बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखते हुए इस तरह के काम आपको करना है, और उसके बाद जो भी एक्सटर्नल यानी कि जो एक्स्ट्रा शोल्डर होंगे आपको उसको छुटा के वहाँ बाहर को फेंकना होगा। और गाइस जब भी आप शोल्डर करोगे तो आपको सेफ्टी की बहुत ही ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर सेफ्टी के ध्यान नहीं रखोगे तो आपको आपका जो आँख है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और मैं सेफ्टी के लिए यूज़ करता हूँ ये वाला जो चश्मा होते हैं गॉगल्स, इसको मैं यूज़ करता हूँ जब मैं शोल्डर करता हूँ। अगर शोल्डरिंग करते टाइम जो धुआं निकलती है, अगर वो धुआं आपके आँखों में चला जाए तो आपका आँखों का जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जलने लगता है बहुत स्ट्रेस होने की वजह से, और मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होती है, आपको समय से पहले आपका आँख दिखना बंद कर देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी कोई भी शोल्डरिंग का काम करोगे तो इस तरह की जो चीज़ें होती है यानी कि सेफ्टी के लिए आपको लगाना ज़रूरी है। तो जब भी मैं सोल्डरिंग का काम करता हूँ इसको लगाता हूँ। उसके बाद आपको मास्क भी यूज़ करना है ताकि आपका जो धुआं है अंदर ना चला जाए। तो एक बार दो एक जो लेग से मैं आपको सोल्डर करके दिखा देता हूँ लाइव, और उसके बाद मैं वीडियो को पॉज कर दूँगा ताकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। तो देखिए मैं किस तरीके से इसको सोल्डर कर रहूँगा। तो गाइस इस तरीके से सभी सारे में सोल्डर कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सोल्डरिंग किस तरीके से हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने कितने आसान तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से इस आईसी को हमने इंस्टॉल कर चुका हूँ। और अब बड़ी बात है कि गाइस जो भी हमें अनवांटेड चीज़ है जो एक्स्ट्रा हमें शोल्डर लगा हुआ है आईसी को खोलने टाइम, उसको अच्छे से क्लीन कर देना है इस ट्वीज़र या इस तरह के ओपनर की मदद से, क्योंकि वो सेब लगी हुई है, आपको हल्का सा प्रेस करने से ही वो निकल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कितना आसानी से निकल जा रहा है, वो देख सकते हो जब मैंने खोलने के टाइम ये लग जाता है, तो कोई बात नहीं ये बहुत ही आसानी से छूट भी जाते हैं, जैसे कि देख सकते हो छूट रहा है। तो आपको भी इसको अच्छे से क्लीन कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और आपको देख लेना है कि कोई भी सिंगल पिन आपस में जुड़ी ना हुआ है।
अगर जुड़ जाएंगे तो आपका जो आईसी है वो ख़राब होने के मतलब ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा वो जो सारे चीज़ें मैं आप लोग को जो भी चीज़ के बारे में बताया देख सकते हो एक सिंगल पीस। और उसके बाद आपको अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो बहुत ही अच्छी बात है इसको देखने के लिए, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको ना दिखे खाली आँखों में तो आप मैग्नीफायर ग्लास का भी यूज़ कर सकते हो, और आपके पास अगर माइक्रोस्कोप है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब मैं आपको इसको इंस्टॉल करके यानी कि ऑन करके दिखाता हूँ टीवी को कि ये हमारा टीवी ऑन होता है कि नहीं। तो गाइस हमारा जो सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो वीडियो का जो कॉर्ड है वो मैंने यहाँ पे लगा चुका हूँ, जो कि हमारा सेट टॉप बॉक्स के जो वीडियो सिग्नल होता है मैंने लगा चुका हूँ। अब बढ़िया था इसको ऑन करना, तो यहाँ पे मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये रहा। तो आप देखता हूँ कि ये हमारा सिग्नल आता है कि नहीं, वीडियो सिग्नल देख सकते हो ये आ चुका है हमारा वीडियो सिग्नल। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो जो बनाने में बहुत ही मतलब टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने टेक्नीशियन दोस्तों के साथ। और आप मेरे से अगर कुछ पूछना चाहते हो पर्सनली तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक।